सो हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाला एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फैन ब्लोअर एंड कंप्रेसर। जैसे कि आप ये इस तरह का इंडस्ट्रियल फैन देख रहे हैं, ब्लोअर देख रहे हैं और ये कंप्रेसर देख रहे हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि तीनों का जो आउटपुट होता है वो एयर होता है, यानी कि ये एयर को डिलीवर करता है। तो जब तीनों एयर आउटपुट देते हैं तो इन तीनों का अलग अलग पर्पज़ के लिए क्यों क्यों यूज किया जाता है, तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे ताकि कहीं पर भी आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ओके, तो देखिए नॉर्मली इसका जो इंडस्ट्री के तौर पे बात करें तो इसको एयर का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। कहीं पर एयर के रिक्वायरमेंट के साथ साथ प्रेशर का भी रिक्वायरमेंट होता है कि हमें इतना फ्लो चाहिए और इतना इसके साथ प्रेशर भी चाहिए, तो उसके लिए फुलफिल भी होता है। तो इन सभी एप्लीकेशन डिजाइन, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है, उसी डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम लोग फैन को देखते हैं। ओके, तो देखिए फैन, ये जो आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल फैन हो गया, और ये जो फैन आप देख रहे हैं ये आप घरों में भी अपने डेली लाइफ में देखे होंगे, जैसे सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, ठीक है, तो वो भी एक तरह का फैन ही है, बस साइज में ये छोटे होते हैं और ये जो होता है ये बड़े होते हैं। ओके, तो देखिए अगर इन तीनों में डिफरेंस करना है तो सबसे बेसिक जो चीज़ इसका होता है वो होता है प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो जिसको स्पेसिफिक रेशियो भी कहा जाता है, ये क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर टू द सक्शन प्रेशर, यानी इन दोनों के रेशियो को ही प्रेशर रेशियो कहा जाता है। ओके, तो जितना कम होगा इस प्रेशर रेशियो उसका प्रेशर आउटपुट कम होगा और फ्लो जो होता है उतना ज़्यादा होता है। जैसे फैन का देखिए, फैन का प्रेशर रेशियो 1.1 तक होता है और इसका प्रेशर जो होता है वो उन दोनों के कंपैरिजन में लोअर होता है या लो प्रेशर होता है। ओके, बाकी अगर इसका फ्लो का बात करेंगे तो फ्लो इसका उन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ब्लोअर और कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में। ओके, जैसे कि आप यह देखिए फैन का रिक्वायरमेंट हमारा यहाँ पर, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिख रहा कि जैसे ये लड़की है ये फैन के सामने है, ठीक है, तो फैन के सामने वो क्यों है? इसे मान लीजिए गर्मी लग रहा होगा, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग गर्मी के दिन में जब गर्मी लगता है तो कैसे हम फैन के सामने आके खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं सीलिंग फैन के सामने, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि फैन में हमें फ्लो तो अच्छा मिलता है लेकिन प्रेशर नहीं होता, इसका प्रेशर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे प्रेशर कम है, फ्लो ज़्यादा है, जिसके वजह से कन्वेक्शन प्रोसेस के माध्यम से हमें कूलिंग महसूस होता है और इसी के वजह से हम लोग फैन के सामने रहते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही चिपक गई है, इस तरह से तो हम लोग नहीं चिपकते हैं। ओके, तो खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ओके, ऑपरेटिंग यानी कि ये कैसे ऑपरेट होता है उसके बेसिस पे भी इसको हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे फैन यूजेस रोटेटिंग ब्लेड टू पुश एयर, यानी कि जो इसका ब्लेड होता है वो रोटेट करता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एयर को फ्लो करता है। जैसे इसको देखिए, ये एक अपने चेहरे पर अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी हुई है फैन को और उसी डायरेक्शन में उसका जो एयर है वो फ्लो कर रहा। ओके, और इसका जो प्रेशर होता है वो मिनिमल होता है। ओके, यानी काफ़ी कम होता है। एप्लीकेशन इसका बात करें तो HVAC सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, हाउस होल्ड यानी घरों में यूज किया जाता है, जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन या कूलिंग सिस्टम के लिए, या इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर भी इसका यूज किया जाता है जैसा इंडस्ट्री में इसका रिक्वायरमेंट हो। ओके, एयर फ्लो की बात करें तो चूंकि प्रेशर लो होगा तो आपका एयर फ्लो जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। वहीं एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो एनर्जी कंजप्शन ब्लोअर और कंप्रेशन के रिस्पेक्ट में इसमें काफ़ी कम होता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग ब्लोअर की बात करते हैं, ठीक है। तो ब्लोअर में अगर प्रेशर रेशियो की बात करें तो ये 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में होता है, यानी कि इसका प्रेशर जो होगा वो एक मॉडरेट लेवल पे होगा, ठीक है, और इसका जो फ्लो भी होगा वो मॉडरेट होगा, यानी कंप्रेसर से कम और फैन से जो होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, जैसे आप एक घर में एग्जांपल देखे होंगे, इस टाइप का आप ब्लोअर देखे होंगे जिससे हेयर जो होता है वो सुखाया जाता है, तो ये भी एक टाइप का छोटा सा ब्लोअर हो गया। इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर ब्लोअर जो होता है कुछ इस टाइप का ब्लोअर वहाँ पर यूज किया जाता है। ओके, इसका ऑपरेटिंग क्या है, तो ये भी आपका फ्लो को एक डायरेक्शन में देता है लेकिन उसका जो प्रेशर होता है वो हायर होता है फैन के कंप्रेसर में। एप्लीकेशन का बात करें तो इसका फर्नेस में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल वेंटिलेशन में यूज किया जाता है, न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। एयर फ्लो की बात करें तो मॉडरेट एयर फ्लो होता है और साथ में मॉडरेट प्रेशर भी होता है, यानी ये बीच में रेंज इसका रहता है। ओके, एनर्जी कंजप्शन भी इसका मॉडरेट रहता है, यानी फैन से ज़्यादा और आपका कंप्रेसर से कम होता है। ओके, अब यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर जैसे ये जो ब्लोअर है वो हेयर जो है वो सुखा रही है, तो यहाँ पर इसका जैसे इसमें हम लोग फैन में नहीं सुखाते, जब बाल सुखाना होता है तो हम लोग फैन के सामने जल्दी खड़ा नहीं होते, अगर घरों में इस तरह का ब्लोअर है तो इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर के साथ साथ हमें फ्लो भी मिलेगा तो एक मॉडरेट लेवल पर मिलेगा जिससे बाल आसानी से सूख जाएगा, फैन में उतनी आसानी से सूखेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर प्रेशर जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, तो यहाँ पर लेकिन अगर इसी को बोलेंगे कि कंप्रेसर का हवा यूज करो तो कंप्रेसर का हवा नहीं, पूरा
तुम्हारा बाल वाल पता चला कि टूट टूट के निकल जाएगा, ओके, तो वहाँ पर कंप्रेसर का एयर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लोअर ही यूज हो सकता है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर वैसा यूज किया जाता है, इसीलिए इन दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस होता है, ओके। अब देखिए कंप्रेसर, इस तरह का कंप्रेसर आप अपने इंडस्ट्रियल में भी देखे होंगे, लेकिन आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल में बात करें तो आप अपने घरों के में आसपास जैसे बाइक में हवा डलवाने गए होंगे या कार में, तो वहाँ पर शॉप वगैरह में देखे होंगे इस तरह का कंप्रेसर, ओके। तो उसका अगर प्रेशर रेशियो का बात करें तो ये 1.2 से ज़्यादा होता है और इसका प्रेशर जो होता है वो हायर होता है, यानी इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है कि एयर को सक करता है, फिर एक चैम्बर में उसको उसका वॉल्यूम को डिक्रीज करता है बाय कंप्रेसिंग, जिसका वजह से उसका प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है, और उसी प्रेशर को हम लोग PSI में या बार में यूज करते हैं। PSI जैसे आप बाइक में हवा डलवाने जाते हैं तो वहाँ पर PSI यूज किया जाता है, और वहीं इंडस्ट्री में बात करें तो इसको बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ पर बड़ा यूनिट यूज किया जाता है बार, ओके। वहीं अगर इसके एप्लीकेशन का बात करें तो यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, न्यूमेटिक टूल्स एंड ऑटोमेटिव इंजन में इसका एज ए वेराइटी इसका यूज किया जाता है, जहां पर हाई प्रेशर एयर का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो किसी टूल को ऑपरेट करने के लिए हो, ऑटोमेटिव इंजन में हो, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, तो इसका भरमार है, बहुत जगह इसका यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है एयर फ्लो, तो एयर फ्लो इसमें रेट जो होता है वो कम होता है, लेकिन ये हाई प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें हमें प्रेशर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसको हम लोग मेनली तौर पर देखते हैं और यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है एनर्जी कंजप्शन, तो इनमें एनर्जी कंजप्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन दोनों से हाई होता है, ओके। तो यही हो गया तीनों में कंपेरिजन या तीनों में डिफरेंस, जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ओके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि आपके लिए वीडियो यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाएगा कि जब तक आप कमेंट नहीं करके बताएंगे कि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपको कुछ कमी लग रहा तो वो भी आप बता सकते हैं। तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।